साथियों नमस्कार, मैं राजन कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम मध्य प्रदेश के जबलपुर में घटी घटना की बात करेंगे। 19 साल का लड़का 16 साल की लड़की के बीच दैहिक आकर्षण हो जाता है। लड़की का पिता लड़के को पॉक्सो एक्ट में जेल भिजवा देता है। लड़का सिर्फ 15 दिन में जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आ जाता है। जेल में अपराधियों की संगति में रहता है। लड़की के बाप से बदले की आग लेकर जेल से बाहर आता है और मौका पाकर लड़की के पिता और लड़की के 8 साल के भाई को बेरहमी से मार डालता है और लड़का लड़की को लेकर फरार है। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है और लड़का लगातार पुलिस को चकमा दे रहा है। लगाना जैसे कोई फिल्म पर्दे पर देख रहे हों। हीरो जो अपनी प्रेमिका के लिए कुछ भी कर गुजर सकता है, वैसे ही जबलपुर का मुकुल हीरो बन गया होगा। मुकुल के कारनामों, हत्या, बिंदासगिरी को देखकर मुकुल को कोई भी राजनीतिक पार्टी नेता बना देगी, फिर धार्मिक जनता मुकुल जैसे हत्यारों का जय जयकार करेगी। मैं कोई अतिशोक्ति नहीं कह रहा हूँ, महज 19 साल का लड़का डबल मर्डर करता है, तब कोई क्या अतिशोक्ति नहीं होती? सबका जीवन सामान्य चल रहा है, जनता तो धर्म, समुदाय, जाति, नफरत, मनोरंजन और बाजार में व्यस्त है। और यही जो झुंझुने तुमको पकड़ा दिए गए हैं ना, उसी का परिणाम है 19 साल का मुकुल और नाबालिग लड़की अपनों की हत्या करके फरार हैं। तुम ये ना सोचना कि मुकुल पड़ोसी के यहीं पैदा होगा। हमारा लाल तो श्रवण कुमार का अवतार है। बच्चों को श्रवण कुमार बनाना है तो श्रवण कुमार के माँ बाप बनना होगा। मुकुल हर घर में पल रहे हैं। मुकुल के माँ बाप भी यही सोचते थे कि आफ्ताब तो उसी समुदाय में पैदा होते हैं। आफ्ताब हो या मुकुल, ये सब सिस्टम की पैदाइश हैं। हमारी परवरिश, हमारी आपराधिक राजनीतिक पृष्ठभूमि, हमारा सामाजिक ढांचा, धार्मिक पाखंड परंपराएं, हमारी आधी अधूरी शिक्षा और हमारी फिल्में। क्या हमारी फिल्मों में अपराधी का महिमा मंडन नहीं किया जाता? जितना खूंखार अपराधी उतनी बड़ी हिट फिल्म। अभी एनिमल फिल्म आई थी, उस फिल्म ने बदतमीजी, हिंसा, रिश्तों, विकृत सेक्स में बर्बरता के झंडे गाड़ दिए थे और फिल्म सुपर हिट हो गई। कैसे? क्योंकि मुकुल जैसे गुंडे, जलील, हत्यारों ने फिल्म कई कई बार देखी। आपको मालूम है कि आपका बच्चा हिंसा और नंगाई से भरी वेब सीरीज देख रहा है और उस रास्ते को अपना रहा है जहां से वापसी असंभव है। लेकिन माँ बाप भी तो शाहरुख और दीपिका बने हुए हैं, उनको भी दिखावे से फुर्सत नहीं। बच्चों को समय देना होगा। बच्चों ने दुनिया में आने के लिए आपको आवेदन नहीं किया था। आपको उन्हें जानवर से इंसान बनाना होगा। उसके लिए पहले माँ बाप को इंसान बनना होगा। स्मगलर हाजी मस्तान पर फिल्म बनती है, सुपर हिट हो जाती है। एक दारू बेचने वाले का महिमा मंडन करती फिल्म रईस ने सफलता के झंडे गाड़ दिए। मुंबई अंडरवर्ल्ड का सरगना अरुण गवली के चरित्र पर फिल्म बनाई जाती है। जैसे इन्होंने अपने जीवन में समाज सुधार के काम किए थे और दुनिया को सत्य, प्रेम और ईमानदारी के संदेश दिए थे। अंडरवर्ल्ड डॉन, दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन पर भी फिल्में बन चुकी हैं। ये फिल्में युवाओं को मुकुल और आफ्ताब बना रही हैं। आप समझिए, आपके दुश्मन आपके घर के अंदर घुस गए हैं, आपके हाथों में मोबाइल में बैठ गए हैं। छोड़िए सब आडंबर पाखंड की प्रभु सब ठीक करेंगे। माँ बाप को सुधरना होगा। 50-60 की उम्र के माँ बाप बच्चे बने हुए हैं। किटी पार्टी, शराब, मनोरंजन, मॉडर्न बनने के नाम पर फुहड़ता बिखेर रहे हैं। दिखावे के नाम पर बेईमानी, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यही कारण है कि बच्चे भी माँ बाप का अनुसरण कर रहे हैं और मुकुल बन रहे हैं। हत्यारे मुकुल को जब उस लड़की को छेड़ने के आरोप में जेल भेजा गया तो मुकुल के माँ बाप ने ही तो उसे छुड़ाया होगा। तब तो माँ बाप की जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है। क्यों छुड़वाया उसको? सड़ने देते उसको कुछ महीने, कुछ साल जेल में, लाखों रुपये खर्च करे होंगे उस हत्यारे को छुड़ाने में। मुकुल तो एक निश्चल शरीर लेकर पैदा हुआ था। हमने ही उसको धर्म, गोत्र, कुल का चोला पहनाया और समाज ने उसके अंदर ईर्ष्या, क्रोध, काम वासना जैसे दुर्गुण पलने दिए।
तभी तो बालक मुकुल से जघन हत्याकांड का अपराधी बन गया, महज 19 साल की उम्र में। याद रखिए, हर माँ बाप को समझना चाहिए, बच्चा तभी पैदा करिए जब आपको जीवन जीने की समझ हो। अगर आप ही ना समझें तो बच्चों को जीवन के बारे में क्या समझा पाएंगे। बुद्ध पर, विवेकानंद पर, कबीर पर, गुरु नानक पर फिल्में नहीं बनती, क्योंकि बिकेंगी नहीं। लेकिन पेरेंट्स का ये धर्म होना चाहिए कि वो बच्चों को बौद्ध साहित्य पढ़ने के लिए उत्साहित करें। नमस्कार।